क्या नाम हुआ आपका? केदार कुमार। कैसे क्या हुआ है बताइए तो। कैसे हुआ है, उसको जो है भोज था उस दिन, उसको बुलाया अनचिन आदमी, बुला के ले गया बस बभनगवा के, उधर जाके उसको मार दिया। कुछ फिरौती की भी मांग की गई थी? हाँ की गई थी, वो तो मार के फिरौती की मांग किया था। कितना पैसा का मांग किया? मांग तो सुनते हैं 45 लाख। कौन मंगल के? वो तो हमें की जन अमित अमित कुमार अमित नाम अमित को दिए। अमित को क्या अमित को जान रहे कौन है कहाँ के हैं? ना अमित को तो नहीं जान, ऐसा करवा सकता है लेकिन वो तो नहीं, वो तो मोबाइल में। आपको कब सूचना मिला कि इनकी मौत हो गई है? सूचना मिला है कि 9 बजे रात में हमको सूचना मिला, पर कल है ना, कल 11 बजे जो भोज था जिस दिन बाल मुकुंद दिन लापता हुआ था ना, 10 बजे ले गया कुछ बरगला करके, चलो ये वो जो क्या बोला था तो हमने अभी बता सकेंगे, बरगला करके उसको ले गया और लेके गया और मेरे मोबाइल पे 11:03 पर मैसेज करके दिया कि अमित को 45 लाख रुपया दे दो, हमको नहीं मारेगा छोड़ देगा, रुपया देगी तो हमको छोड़ देगा। ये कौन मैसेज किया? रोहित अपने से बोला, उसको बुलवाया गया जो लेके गया था। फिर उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद हम लोग जाने यहाँ आए तो जो लेके गया था उसी रात उसको काट दिया, यही जो है बभनगा मामला। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को हाँ सूचना सुबह में मिला था, पुलिस को सूचना, पुलिस बोले कि आप लोग भी देखिए हम लोग भी देखेंगे, जब हम पुलिस को सूचना दिए तो हम क्या देखेंगे, हम क्या उसको अब देखेंगे, आपको हम सूचना दिए तो आप ना देखिएगा हम क्या देखेंगे। पुलिस की बतल को वो बता, यही बोला कि आप भी देखिए हम भी देखते हैं। तो क्या मतलब पुलिस की तत्परता में कमी लगी क्या? कमी है, कमी थी तब ऐसी हालत हुआ है सर। बगल में लाश था और पुलिस चाहता तो मिलता नहीं, और बार बार वो काट के मैसेज करता था, आप हमको यहाँ देवघर पैसा पहुँचाइए 45 लाख रुपया, फिर बोला कि हमको 35 लाख रुपया दीजिए वहाँ बेगूसराय, आप पैसा फेंक दीजिए और हम ले लेंगे, आप बीहपुर स्टेशन जाइए और ट्रेन पे चढ़ के बेगूसराय में फेंक दीजिए हम ले लेंगे। ये सारी बात आप पुलिस को बताए थे? हाँ बताया गया होगा, हाँ हाँ मैसेज पूरा मोबाइल में भरा हुआ है, बताया गया होगा।